हेल्प योर एल्डर क्लीन द हाउस होल्ड थिंग्स, हमें अपने बड़ों की अपने घर की चीज़ें साफ करने में क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ओके, अगर आपको बड़े कोई काम कहें तो आपकी उनकी बात माननी चाहिए। अगर वो कुछ आपको काम दे रहे हैं तो आप उनका काम कर दीजिए, करिए अगर आप वो काम कर सकते हो, मना नहीं करना चाहिए। ब्रश योर टीथ डेली विद द फन सॉरी ब्रश योर टीथ डेली, क्या करोगे? मैं अपने दांतों को हर रोज ब्रश करना चाहिए। कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 times, एक बार सुबह और एक बार शाम को सोने से पहले। ओके, हमें अपने टीथ को क्या करना चाहिए? ब्रश, क्या करना चाहिए? ब्रश। वॉश योर हैंड विद एवरीथिंग टाइम, हमें क्या करना चाहिए? अपने हैंड्स को हमेशा साफ रखना चाहिए, साबुन से धोते रहना चाहिए। और अब तो हमें और भी ज़्यादा धोना चाहिए। हमें अपने हाथ कैसे धोने चाहिए, मैंने आपको सिखाया था। पहले अपने हाथों को गीला करो, ठीक है? गीला करने के बाद क्या करना है? गीला करने के बाद यहाँ पर क्या लेना है? सोप या हैंड वॉश। हैंड वॉश लेने के बाद हमें क्या करना है? उनको रब ऐसे ऐसे, उसके बाद क्या कैसे रब करना है? ऐसे फिंगर्स में, ऐसे ऐसे फिंगर्स में। ओके, उसके बाद हमें अपने थंब से ऐसे डन। उसके बाद क्या करेंगे हम? अपने हाथों को जब अच्छे से रब कर लिया जाए तो उसके बाद टैप के नीचे ले जाकर अपने हाथों को अच्छे से धो लोगे। और धोने के बाद क्या करोगे? गंदे कपड़े से इधर उधर साफ़ नहीं करना, नहीं तो आपके फिर जम्स लग जाएंगे हाथों को। तो आपने क्या करना है? अपने हाथों को एक सूखे और साफ तौलिए से क्या करना है? टॉवल से क्या करना है? क्लीन करना है, सोप करना। ओके, यूज फ्लश एवरी टाइम आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, हमें जब भी हम टॉयलेट यूज़ करें तो हमें फ्लश करना चाहिए। पता है ना आपको फ्लश, तो हमें क्या करना चाहिए? फ्लश करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं आना चाहिए। हेल्प टू कीप योर वॉशरूम क्लीन, तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपनी मम्मी पापा के अपने वॉशरूम को क्लीन करने में हेल्प करनी चाहिए। अगर आप क्लीन ना कर पाओ तो आप गंदा भी मत करो, ये भी उनकी एक हेल्प है। ओके, आप साबुन को इधर उधर मत फेंका करो, उनके प्रॉपर प्लेस पर रखा करो। पानी मत खिंडाया करो, ध्यान से साफ किया करो हाथों को, तो ये भी आप उनकी हेल्प करोगे। ओके, तो आपको अच्छा लगा? मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाई, आपको अच्छी लगी ना? मानो यार मेरी बात, क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें गंदगी इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, हमें पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपने आसपास साफ करना रखना चाहिए और डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। और हमें अपने कपड़ों को क्लोथ्स को क्या करना चाहिए? फोल्ड करके प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। अपने एल्डर्स की हेल्प करनी चाहिए होम का कोई काम करने में, अपने ब्रश करनी चाहिए टीथ और हैंड वॉश करना चाहिए थोड़ी देर बाद, और टॉयलेट यूज़ करने के बाद फ्लश करना चाहिए और वॉशरूम को साफ रखने में हेल्प करनी चाहिए। ओके, ये कुछ अच्छी आते हैं जो हमेशा आपको याद रखनी है, और यही आपका आज का होमवर्क है, अच्छी अच्छी बातें सीखना। ओके, आज से करोगे ना आप अपने मम्मा की हेल्प करोगे ना, उनके उनके घर के काम में हेल्प करोगे, किसी से गलत तरीके से नहीं बोलोगे, ये भी एक गुड हैबिट्स है। अगर आप मैंने आपको जो आज बातें सिखाई हैं इनको अपनाओगे, इनको फॉलो करोगे, तो आप एक बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। ओके, बनना है ना अपने अच्छे बच्चे? तो आपका आज का होमवर्क है फन फैक्ट नंबर 1। ओके।